सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमाद मजीद, आप मुझे देख रहे हैं YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप ट्वीट देख चुके हैं वीडियो के शुरू में कि जुमैमा खान क्या फरमाती हैं। जुमैमा खान, जब आप सबको पता है कि रियाम खान ने वेला मचा दिया है इलेक्शन शुरू होने से पहले, ये जो किताब का वेला मचा है कि इसमें इमरान खान की के खिलाफ उनके पास काफ़ी ठोस सबूत मौजूद हैं और वो इमरान खान की ज़िंदगी को जीना बना देंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, और इसमें उन्होंने ये भी फरमाया है कि इमरान खान की जो एक्स वाइफ थी जुमैमा खान, उनका बेटा उनके साथ नाजायज़ तलक रखने चाहता था। इसके जवाब में जुमैमा खान ने कहा है कि ये जो किताब है ये बिल्कुल ही बेकार किताब है और मैं यहाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा बकवासात लिखे हुए हैं, इस वजह से ये किताब में इंग्लैंड में शाया नहीं होने दूंगी, अगर हुई भी तो इसके ऊपर मैं केस करूंगी। और उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे के लिए किसी हद तक जा सकती हूं क्योंकि उसने उसके बेटे पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो यहाँ पर वो कहते होते हैं कि मिसाल है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बेहतर है, बेहतर होता है। तो जो रेहम खान है वो इमरान खान को सियासी मार देने के ऊपर तुली हुई है, जबकि जुमैमा खान उनको बचाने के लिए एक दफ़ा फिर मैदान में उतर आई हैं, जिस तरह पहले भी उन्होंने इमरान खान को बचाया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब जुमैमा खान और रेहम खान की जंग शुरू हो पड़ी है, आप क्या समझते हैं कि ये जंग कौन जीतेगा? क्या इमरान खान को नीचा दिखाने में कामयाब हो जाएंगी रियाम खान, या जुमैमा खान जो हैं वह एक दफ़ा फिर इमरान खान को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगी? कमेंट सेक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय।